कितने गाजे बाजे के साथ हमने मिस मार्वल देखना शुरू किया था। ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा है, ये हमारे इंडिया का सुपर हीरो है। भाई पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो पाकिस्तानी सुपर हीरो मतलब कि इंडियन ही सुपर हीरो, राइट? ऐसे में हमने मिस मार्वल को देखना तो शुरू किया, लेकिन एंड में इन्होंने जो हमें आंखों का कैंसर दिया है उसको लेकर मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। और इस रिव्यू में पुंगी बजाने वाला हूँ मिस मार्वल के पूरे शो की, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा डैश काटा है। स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं आ गया हूँ यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिस मार्वल से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन स्टिल जिस तरीके के इसके एपिसोड्स जा रहे थे, जिनका कॉन्सेप्ट जिस तरीके से इसमें दिखाया गया था, या फिर जिस तरीके से जिन्नों की ताकत या फिर इंडिया का पार्टीशन, ये सारी चीजें दिखाई गई थी, ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो खास होने वाला है। ऊपर से आप फवाद खान जैसे एक्टर को लेकर आ रहे हो, इंडिया की टीआरपी बटोरने के लिए आप जो है फरहान अख्तर को ले रहे हो या फिर इंडियन गानों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये क्या? वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल तो सिर्फ और सिर्फ सुहावने नजर आते हैं। दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल बना रही थी, पास जाके देखा तो गाय पूंछ हिला रही थी। ऐसा ही कुछ मिस मार्वल के साथ ही हुआ है। 5 एपिसोड आ चुके हैं, इतना डिसअपॉइंट हो चुका हूं मैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब कि स्टोरी का सिर्फ और सिर्फ वो नील बट्टे सन्नाटा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ट्रेवल करके एक लड़की को बचाना है और कुछ नहीं। मतलब पूरा जो सस्पेंस क्रिएट किया था जिन्नों का, पूरा जो सस्पेंस क्रिएट किया था आखिरकार कड़े कहां से आया, उसकी ताकत कहां से आई, कुछ नहीं बताया इन्होंने। और इन्होंने अपनी सीरीज का कंक्लूजन इस तरीके से दिया कि भैया हम लोग सोचने लगे कि ये क्या इन्होंने क्लिफहैंगर में हमको डाल के रख दिया है। मिस मार्वल की ताकतें कहां से आई, वो कला कहां से आया, उस पे शक्तियां कहां से आई, क्या वो जिन्नों का है या फिर वो इंडिया में मिला था एक बौद्ध टेंपल में, अगर आपको याद होगा तो उसके स्ट्रक्चर से हमने देखा था, आई गेस 3rd एपिसोड में इस बात का रिवलेशन हुआ था, राइट? फिर उसके बाद यहां पर हमें बताया गया वहां पर 10 रिंग का भी निशान था, उसका क्या मतलब है। तो भाई यहां पर मिस मार्वल को इन लोगों ने, मिस्टर केविन फाइगे ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एशियन सुपर हीरो लाते हैं और एशिया की मार्केट को कवर करते हैं। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट है, तो बेटर है कि क्यों ना हम पाकिस्तान से ही बना ले, राइट? तो इन लोगों ने बहुत चीजें सोची, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को एकदम से जीरो मटेरियल दिया है। मिस मार्वल को देखकर मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ जितना मैं हॉकाई को देखकर हुआ था। इससे लाख गुना अच्छा हॉकाई था। दोस्तों आपको बता दूं, वहां पे कम से कम एक्शन तो था, वहां पे कम से कम एक तरीके का एक ईस्टर एग, क्लिफहैंगर्स, कितनी सारी चीजें थी, यहां पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रह गए। आप शुरू होते ही कैरेक्टर्स को खत्म कर दे रहे हो, आप फवाद खान जैसे एक्टर को क्या यूज कर रहे हो, हालांकि फवाद भाई की आवाज बहुत ज्यादा जबरदस्त है और वो जिस तरीके से उनका स्क्रीन प्रेजेंस था, उफ माशाल्लाह दिल जीत लिया बाय गॉड। खैर इवन एंड ऑल अगर देखा जाए तो कमाला खान यहाँ पे पाकिस्तान आती है, उसको स्टोरी मिल जाती है, उसकी क्या है, उसकी आयशा है, पर नानी है, उसकी नानी को बचाना है, बस सिर्फ और सिर्फ वो जो सारा ट्रेन का विजुअल था, बार बार ट्रेन का विजुअल था, अरे यार हद होती है, ट्रेन का विजुअल था, ट्रेन का, मैं तो इतना तंग आ गया ना, मुझे ऐसा लगा कि अब ये क्या हो रहा है। बीच में देखते देखते मैं इतना ज्यादा अपसेट था। लास्ट वाला एपिसोड तो इन्होंने पता नहीं क्या झक मारी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 3 और 4 एपिसोड को छोड़ के बाकी के सारे एपिसोड एकदम फुद्दू है। जी हाँ, इंडिया की भाषा में इसको फुद्दू ही बोलेंगे, और ये मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है। मार्वल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कल थॉर लव एंड थंडर फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी देखने जाने वाला हूँ, लेकिन ये यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मिस मार्वल की शक्तियों को जिस तरीके से उजागर करना है, या फिर इसे न्यू एवेंजर, इन लोगों का इरादा शायद न्यू एवेंजर बनाने का है, इसीलिए ही जो है केट बिशप का भी कैरेक्टर आ गया, इसीलिए शी हल्क भी आ गई, इसीलिए जो है आप मिस मार्वल भी लेकर आ रहे हो, राइट? तो इन लोगों को कुछ ना कुछ न्यू एवेंजर्स को लेकर कुछ बनाना है, पता नहीं क्या है। केविन फाइगे ने 10 साल का प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं वो, लेकिन इतना गंदा मिस मार्वल में क्या बताऊं। मतलब आप अगर ये फेज 4 की फिल्में देखेंगे, फेज 4 की फिल्मों में एक वो दम नहीं था, ऐसा लग रहा था। इटर्नल्स तो जैसे पता नहीं क्या ही था, वो इतना बड़ा सेलेस्टियल बाहर निकल आया, तो भाई यहाँ पे एवेंजर लोगों का कोई भी वो नहीं आया कि भाई ये सेलेस्टियल आया क्यों, कोई मीडिया कवरेज का इतना भयंकर नहीं था कि आया ये क्या आया धरती के अंदर से, राइट? प्लस स्पाइडरमैन नो वे होम में अगर आपने देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे एक शक्तिशाली विजार्ड को आप स्पाइडरमैन ने मैथ्स में हरा दिया, राइट? ऊपर से आप जो है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को ऐसा दिखा रहे हैं कि कितनी भयंकर है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी नहीं दिखा रहे। मेरे वांडा के अगेंस्ट कुछ नहीं है, मुझे तो पसंद आती है स्कारलेट विच, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई हैसियत नहीं है। हल्क बेचारा गायब हो गया, ये करना क्या चाहते हैं मार्वल वाले, मुझे नहीं पता। और मिस मार्वल को आप इतना फुटेज दे रहे हो जबकि उसके पास कोई पावर नहीं है, बस मुक्का यू करके हो रही, बस खत्म।
हमारे ठीक है, हमारी अपने कल्चर को दिखाया गया। मुझे अच्छा लगा जब एपिसोड आज का फिफ्थ का शुरू हुआ जिसमें कि यू नो पुराने गाने वो मुमताज़ बेगम जी की आवाज़ थी शायद वो, तो उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये सच में इवन एंड आउट, इन्होंने आंखों का कैंसर बना दिया सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची को बचाने के लिए। उसको पूरा इतनी जर्नी हुई है, कोई दुश्मन नहीं, और लास्ट की एंडिंग तो इतनी बकवास। नाज़िया वहाँ पे वो ऐसे जल रही है, उसकी बेटे के अंदर क्या ताकत आ गई है कुछ पता नहीं, ड्रोन पीछा कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, वी रियली डोंट गेट इट। सो यस, ये है दोस्तों, ये है यहाँ पे। अब क्या ही बोले भाई, मैं तो ऑनेस्ट बोलता हूँ, अगर अच्छी लगी बोलूंगा, नहीं लगी बोल दूंगा। वंडर विजन ज्यादा अच्छी थी, राइट? फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वो तो जबरदस्त थी यार, वो तो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ना कुछ झक मार दी, झक मरा दी, एकदम झक मरा दी। बेकार सीरीज लगी मुझे, बेकार। अगर 5 में से मैं स्कोर की बात करूँ, 2.5 ही देना चाहूंगा इसे। खैर वैसे मैं क्या दूं, सारे इसको 2.5 ही देने से ज्यादा कोई भी नहीं है, राइट? सो कमेंट सेक्शन में जाएं, आप भी बताएं कि आपको मिस मार्वल कैसा लगा। मेरे लिए तो आंखों का कैंसर हुआ और टाइम वेस्ट हुआ। बाय।